हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम सॉल्व कराने वाले हैं बीपीएससी टीआरई स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट का जो पेपर हुआ था अभी हाल में ही, उसके क्वेश्चन। और सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमारा बॉटनी का ऑनलाइन कोर्स चलता है, सारा कंटेंट हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 पॉइंट हमारा बैच है, वन बैच में 200 से ज्यादा लोग ज्वाइन है, और दूसरे का बैच में भी 20 से ज्यादा लोग ज्वाइन है। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद हम तीसरा बैच ला रहे हैं बॉटनी का, जो कि 1 जनवरी से चालू होगा। फीस बहुत मिनिमम है, 2500। इसमें हम पीपीटी, हैंड रिटन नोट्स, ऑडियो नोट्स, आपको क्लासेस चाहे जहां पे देखिए, जैसे जिम्नोस्पर्म है, ये टेरिडोफाइटा है, हर चीज ऑडियो नोट के साथ साथ मॉक टेस्ट, ये सब सब प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आओ हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, आप देखते ही हैं हमारी यूट्यूब पे कि हम अलग अलग जगह के बॉटनी का पेपर सॉल्व कराते हैं और क्वेश्चन कितना ईजी होता है। तो आओ देख लेते हैं आराम से, आप सब सॉल्व करते चलिए। कह रहा है कि विच वन इज ए हेक्सोस सुगर, इसमें से कौन है जो हेक्सोस सुगर है। तो आपको पता होगा कि मैनोज जो है वो हेक्सोस सुगर है, सेलुलोज जो है ये होमो पॉलीसेक्राइड है। ये क्या है? होमो पॉलीसेक्राइड है, तो ये होगा नहीं। जाइलोज जो है ये पेंटोस सुगर है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा? वो वन ही होगा। दूसरा है, न्यू सिस्टमैटिक इंट्रोड्यूस बाई सर जूलियन हेक्सले इज आल्सो कॉल्ड। तो देखिए, न्यू सिस्टमैटिक्स को हम क्या क्या कहते हैं? बायो सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, बायो सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, फेनेटिक्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, क्लेडेटिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर। कीमोटैक्सोनॉमी नहीं होगा, कीमोटैक्सोनॉमी अलग अलग फैमिली में केमिकल कंपाउंड जो मिलते हैं उसके आधार पे होता है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव नहीं। आज गूगल चेक करेंगे तो फेनेटिक्स और क्लेडेटिक्स भी इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एडिबल इन्फ्लोरेसेंस। देखो, कोरी में जो होता है ये गोभी में होता है, कैटकिन जो है मलबेरी है, ये जो है फाइकस आप जानते होंगे, बरगद, ये सब। तो इन सारों को खाया जा सकता है इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में, ठीक है। ये फ्रूट भी होते हैं, गोभी डायरेक्ट खा लो, कैटकिन भी खा सकते हो, हैपेनथोडियम भी ऐसा है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ भी होगा राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फैमिली है जो फाइलोजेनेटिकली बहुत ज्यादा एडवांस है, डाइकॉट फैमिली के रिगार्डिंग। तो आपको पता ही है कंपोजिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं अभी, एस्टेरेसी बोलते हैं। तो ये आप देख लेना कि कितने फैमिली का नाम बदल दिया गया है आईसीबीएन के रूल्स के हिसाब से, कि लास्ट में ए सी आना चाहिए। अगर आप जैसे क्लास, जैसे कि किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, जीनस, स्पीसीज को ऐसे आप अरेंज करो तो उसको क्या बोलते हो, टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हो, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जो आपका इनकरेक्टली मैच है। तो देखो, बैक्टीरियल सेल वाल जो होता है वो पेप्टिडो ग्लाइकन का मिलकर बना होता है। किसका? पेप्टिडो ग्लाइकन का मिलकर बना होता है, ये एक सेलुलोस नहीं होता। तो यही वाला रॉन्ग है, मतलब यही आंसर सही है। बैक्टीरियल राइबोसोम जो होता है, देखो सही है, वहां पे 16S rRNA होता है, 23S rRNA होता है, तो ये सही है। बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का मिलकर बना होता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये बैक्टीरियल सेल वाल जो होगा, आंसर राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इक्विवेलेंट टू सब स्पीसीज। देखो, बहुत सारे मतलब ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकुलर टाइप का एडाप्टेशन हो गया, जिससे कि अलग अलग सब स्पीसीज बन गई है, जो कि क्या है कि रिप्रोडक्टिवली जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो ये बात ध्यान रखो, क्या हम बोले रिप्रोडक्शन कर सकती है, एक पार्टिकुलर स्पीसीज है जिसने क्या कर लिया है, इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे कि उसने क्या किया है, अपना मार्फोलॉजिकल, वो मार्फोलॉजी अपना बदल ली और उस जेनेटिक कंडीशन को अचीव कर ली है। तो इसलिए वो क्या है भैया, वो होगा इकोटाइप। इकोटाइप में ऐसा ही होता है कि अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखो तो वो उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट को एडाप्ट करके पार्टिकुलर जीनोटाइप को वो ज्यादा एक्सप्रेस करती है। तो इको स्पीसीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो इकोलॉजिकली आइसोलेटेड स्पीसीज होते हैं, सीनो स्पीसीज भी नहीं होगा। इको टाइप विल बी द मोर करेक्ट आंसर हियर। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, तो आप देख लो, इको टाइप होगा इसका।
अब देखो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है। देखो अगर सिंपल ये मोर देन वन ना देता तो आप एक्रोपिटल बोल देते कि ऐसे फ्लावर नीचे जो होता है ये बड़े फ्लावर होते हैं, ऊपर जो होते हैं छोटे फ्लावर होते हैं, दैट इज द एक्रोपिटल। बैसिपिटल जो होगा साइमोस में होगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल भी होता है, बीच में जो होते हैं छोटे छोटे फ्लावर होते हैं और पेरीफेरी पे बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, ठीक है, जैसे आप एस्टेरेसिक मेंबर में देखोगे। तो एक्रोपिटल होने के साथ साथ ये सेंट्रीपिटल भी होना चाहिए, बात को समझे, ज्यादा करेक्ट तो एक्रोपिटल ही है, तो यहाँ पे मोर देन वन है तो हम इसको चूज करेंगे ना कि एक्रोपिटल से को सिर्फ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाई कार्ल वॉन लिनियर, इन्होंने 24 क्लासेस में बांटा था, कुछ फ्यू मार्फोलॉजिकल करेक्टर को देख के, रिप्रोडक्टिव करेक्टर को देख के, तो उसे आर्टिफिशियल बोला गया। देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया एंगलर एंड पेरेंटल ने, किसने दिया, एंगलर एंड पेरेंटल ने, हचिनसन ने। नेचुरल सिस्टम दिया बेंथम एंड हुकर ने, ठीक। अरे भाई वही सब चीजें पूछी जाती है जो आप पढ़ते हो, तो काहे घबराते हो आप सब। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो CO2 को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फिक्स कर सकता है। बैसिलस देखो करेगा नहीं, राइजोबियम नाइट्रोजन के फिक्सेशन करता है ये करेगा नहीं, तो बचा रोडोस्पाइरुलम जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भैया फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक जो है वो किसने लिखा था, तो बेंथम हुकर नहीं लिखे थे, जेनेरा प्लांटेरम लिखे थे, क्रॉनक्विस्ट भी नहीं लिखे थे, और लिखे थे हचिनसन जी ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है सोलेनेसी का गाइनोसियम कैसा होता है, मोनोकार्पेलरी इसका नहीं होता, ये फैबेसी का होता है, मान लो फैबेसी का हो गया, और किसका हो गया, एस्टेरेसी का हो गया, नहीं एस्टेरेसी नहीं, फैबेसी का होगा और उसका होगा ग्रामिनी का, एपोकार्पस नहीं होगा, ये होगा बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, ये होगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो क्रोमोसोम को देखना है लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट को भी देख सकते हो, बट राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल विदाउट द एनी सेल मेम्ब्रेन। तो इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा इसको क्या करने के लिए, देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका सीड जो होता है बहुत ज्यादा टाइम तक वेबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक डॉर्मेंट कंडीशन में रह सकता है और फिर जेमिनेट कर सकता है, तो वो है निलंबो न्यूसीफेरा कमल का। आप कभी कभी देखे हो जैसे हमारे क्या होते हैं, जैसे भगवान, जैसे जानते ही हो ना, जैसे लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु ये सब जो होते हैं कमल के फूल पे बैठे होते हैं, ऐसे कमल का फूल होता है, ऐसे बीच में बैठे होते भगवान जी, यहाँ पे बुरा मत मानना मुझे बनाने, यहाँ पे भगवान जी बैठे हैं, ठीक है भैया, हम स्टूडेंट हैं, हम किसी भी धर्म वर्म का प्रचार नहीं करते, हम बस सिंपल बता रहे हैं कि ऐसे देखे होगे आप, तो कमल के फूल पे ही क्यों बैठे होते हैं, तो कमल के फूल पे बैठे होते हैं, तो माइथोलॉजी हमारी कहती है कि भैया जैसे कमल का जो सीड होता है बहुत टाइम तक डोरमेंट कंडीशन में रह के भी बहुत पुराने जमाने से प्रेजेंट है, बहुत ही एंशियंट है, तो वैसे ही हमारे गॉड भी बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बहुत एंशियंट, ठीक। चलो तो भैया ट्रिटिकम वल्गर नहीं होगा, निलंबो नोसीफेरा होगा। चलो आगे चलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट कहाँ पर रहेगा। देखो प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोआ का मेंबर है और ये यूक्रियाट है, तो यहाँ पे तो रहेगा, सेक्रोमाइसिस में भी रहेगा। स्ट्रेप्टोकॉकस जो है चैन ऑफ बैक्टीरिया है, चैन ऑफ प्रोट्स, चैन ऑफ स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकॉकस, ठीक। स्ट्रेप्टोबैसिलस रहता तो आप रॉड शेप्ड बोलते, तो ये होगा स्ट्रेप्टोकॉकस जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि प्रोक्रियाट है ना भाई। अब देखो कोहार्ट तो आप जानते ही हो क्या होता है, किंगडम फाइलम क्लास आर्डर, क्लास आर्डर, फिर आर्डर के पास क्या होता है, आर्डर के बाद कोहार्ट, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, तो आर्डर के बाद आता है कोहार्ट, फिर आता है फैमिली, तो यहाँ पे देखो यही आर्डर दिया है, मार दो सिंपल, आर्डर के बाद ही कोहार्ट आता है। आर्किगोनियर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो हमने बताया था आर्किगोनिया का मतलब होता है ए, ए से अब्सेंट, और ए से क्या होता है एल्गी, और ए से क्या होता है एंजियोस्पर्म, तो आर्किगोनिया अब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, एल्गी के साथ साथ फंजाई भी हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ब्रायो टेरिडो और जिम्नो में,
तो मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला बैक्टीरिया है जो जैसे नाक्स्टाक पक्टिनी फॉर्म के बारे में या एनाबीना साइकडी करके होता है, तो वो साइकस के जो कोरड रूट होता है ना वहां पे मिलता है। पाइजम सीसर में राइजोबियम रह सकता है तो ये नहीं रहेगा, मोर देन नहीं रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? दे आर कॉल्ड पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सही है भैया। दे कॉज डिजीज इन प्लांट, ये भी बिल्कुल सही बात है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, तो सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं भैया, इनके पास सेल वाल नहीं होता है कोई, तो सेल वाल पे पेनिसिलिन अपना इफेक्ट डालता है। अब सेल वाल है ही नहीं तो पेनिसिलिन हो गया, वेनकोमाइसिन हो गया, इन सारे ड्रग के लिए, ऐसे ड्रग जो सेल वाल पे अपना इफेक्ट डालते हैं उनके लिए इनसेंसिटिव होता है, तो यही होगा राइट आंसर, सी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पॉली एडल्फस कंडीशन ऑफ एंथर कहाँ पे मिलता है? जैसे ग्रुप ऑफ एंथर तो आपको देखो मिलेगा लेमन में, सनफ्लावर में तो आपको पता है सिंजेनेसियस रहता है, फिलामेंट फ्यूज होता है, एंथर फ्री होता है, सिंजेनेसियस, सिंजेनेसियस। लेडी फिंगर में आप कह सकते हो मोनो एडेल्फस होता है क्योंकि मालवेसी का है ना एडेल्फस, तो ये लेमन होगा, लेमन, लेमन चूस नहीं, लेमन। अब देखो यही कह रहा है भैया, जो यूरोप था या आयरलैंड का फर्माइन, मोस्टली हम कहें पोटैटो का, सिंपल बात है कितना, देखो यूरोप का फर्माइन बोल रहा है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोल रहा है, तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है, अल्टरनेरिया से होता है अर्ली ब्लाइट, क्या होता है अर्ली ब्लाइट होता है, पोटैटो मोजाइक वायरस तो वायरस है, तो यही होगा फाइटोप्थोरा इंसिस्टेंस। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया एग्जाइल प्लेसेंटेशन पूछ रहा है, तो आरजीमोन में तो पराइटल होता है क्योंकि ये पापावरी सी का है, डायंथस में जो होता है वो फ्री सेंट्रल होता है ना क्योंकि ये कैरियोफाइलेसी का है, साइट्रस बचा, साइट्रस में होता है एग्जाइल, साइट्रस के साथ साथ देखो सोलेनेसी हो गया, लिलीएसी हो गया, मालवेसी हो गया, कनवलूलेसी हो गया, इन सभी में एग्जाइल प्लेसेंटेशन होता है। बातों को समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं, हेटरोस्टिलिटी मतलब स्टाइल अलग अलग लेंथ का किसमें होता है, तो हेटरोस्टिलिटी जो होता है जैसे प्रिमूला हो गया, प्रिमरोज हो गया, इन सभी में मिलता है, स्टाइल का लेंथ अलग अलग होता है ना, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, नॉन एल्बुमिनस सीड, तो ऐसा मतलब जिसमें जो आपका सारा एंडोस्पर्म खा लिया गया हो डेवलपिंग इम्ब्रियो के द्वारा, तो वो नॉन एल्बुमिनस होते हैं, तो पी इसका राइट आंसर होगा, नॉन एल्बुमिनस। अगला क्वेश्चन है चलो देखते हैं, एक ऐसा स्पेसिमेन जो कि ऑथर के द्वारा यूज किया जाएगा, तो वो होता है होलोटाइप, तो होलोटाइप यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो नन ऑफ द एबव होना चाहिए इसका। वाटर सालुबल एलोइस पिगमेंट जो होता है डहेलिया के प्लांट में, वो एंथो जैंथीन होता है, देखो जैंथोफिल एंथोसाइनिन तो वैक्यूल में रहेगा और जैंथोफिल तो आपका एक कैरोटीन है जहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, जैसे ल्यूटीन ये सब सुने होगी। अब देखो स्टेम के अंदर जाइलम का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो इंडार्क होता है, मतलब ऐसे अगर आप बनाओ तो ऐसे करके जो प्रोटो जाइलम रहेगा वो बीच में रहेगा ऐसे किनारे किनारे पे बड़ा बड़ा, तो ऐसे रहेगा, मतलब अंदर से बाहर की ओर डेवलपमेंट होगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट ऑफ जाइलम होता है इनडायरेक्ट कंडीशन में, स्टेम होता है, इग्जार जो होता है हमेशा ये रूट के केस में होता है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारा सिंपल चीजें हैं, हर चीज में एक कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, उतना चीजें कर लोगे आप बन जाओगे विनर, ठीक है। और मैं कहता हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, कहीं का भी बॉटनी का एग्जाम हो रहा है, उसका पेपर कहीं भी मिल रहा है, कहीं भी यूट्यूब पे मिल रहा है, उसको देखो और बस आंसर मत सुनो, अपना खुद से अपना जांच करो कि आपको वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब बहुत लोग यही बीपीएससी का देके आए होंगे, बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे कि हमारा गलत गया, गड़बड़ हो गया, अरे क्वेश्चन देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कठिन तो है नहीं कि आपसे नहीं बना। अब केल्विन साइकिल, यही आपको पता है भैया कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार साइकिल चलता है, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP लगता है, 12 NADPH2 लगता है, तो 6 कार्बन को फिक्स करने में लग रहा है, तो एवरी कार्बन मतलब एक कार्बन के लिए पूछ रहा है, तो आप क्या करो 18 में 6 से भाग दे दो और 12 में 6 से भाग दे दो, ये निकल जाएगा
छात्रिक 18, 3 ATP और 2 NADPH2, तो 3 ATP डू एन टू NADPH2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ए वाला। तो भाई हर चीजों के पीछे कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। अब देखो, मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ फ्लोरा एंड फाउना, तो सबसे ज्यादा फ्लोरा और फाउना मतलब मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ पे मिलती है? तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि होता है अमेजॉन, अमेजॉन में मिलती है, जिसे हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। गॉट इट? आगे चलते हैं, प्रोटोडर्म एंड प्रोकैम्बियम। देखो वो दिया गया था ना, हैंस्टीन ने दिया था, एक थ्योरी दिया था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हिस्टोजन थ्योरी, या हिस्टोजन थ्योरी दिया था। तो इन्होंने 3 हिस्टोजन के बारे में बताया था, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, और एक बताया था प्रोटोडर्म था, प्रोकैम्बियम था, और एक जो था वो देख लेता, ये एपिडर्मिस बना रहा था, ये वेस्कुलर बंडल, ग्राउंड टिश्यू वाला का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हैंस्टीन थे, और हेबरलैंड जो थे ये भैया टोटोपोटेंसी के बारे में बताया था, ये टिश्यू कल्चर, और नगेली ने एपिकल मेरिस्टियम के बारे में बताया था, ऐसे करके ना। अगला क्वेश्चन है, पेरिसाइकल इन रूट रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो मोस्टली ना पेरिसाइकल जो रहता है रूट में वो लेटरल रूट का फॉर्मेशन कराता है, ये तो करेक्ट है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, तो इसके साथ डी होना चाहिए आंसर ना। अस्टिलैगो जो कराता है आपका डिजीज, तो वो स्मार्ट डिजीज कैसा होता है? टेस्ट सूटी मॉस बनाता है, माइसिलियम ब्लैक होता है, और जहां पे अफेक्ट करता है वो ब्लैक हो जाता है, तो सब होगा इसका राइट आंसर। प्लाज्मिड जो होता है वो कैरियर की तरह, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, नहीं, प्लाज्मिड जो होता है ऐसे व्हीकल की तरह, व्हीकल ऑफ डीएनए की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जो कि ऐसे करके इंसर्शन एंड इनएक्टिवेशन करा के आपका रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने में हेल्प होता है। इसका दोनों एंड रिप्लीकेशन, जैसे प्लाज्मिड है, अगर यहाँ पे ओराई साइट रहे, यहाँ पे कट लग जाए, तो दोनों तरफ में रिप्लीकेशन होगा, तो बिल्कुल सही बात है, तो ए भी सही है, बी भी सही है। अब देखो प्लाज्मिड यूकेरियाटिक और प्रोकेरियाटिक दोनों में नहीं जा सकता, इसके लिए सटल वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, तो ये गलत है, तो डी होगा, क्योंकि दो ऑप्शन सही है ना। अब देखो एक आंसर हो जो मैं अगर गलत बता दूंगा तो आप आंसर की में चेक कर लेना, ठीक? मैं अपना जो हमारे पास नॉलेज है जो हमने अचीव किया उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, इस प्रोड्यूस एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन, दिस कॉम्प्लेक्स इज। तो फर्मेंटेशन के लिए देखो इन्वर्टेज भी हेल्प कर सकता है, जाइमेज भी हेल्प कर सकता है, तो ये होना चाहिए डी। अगला क्वेश्चन है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट 24, यानी कि 2n इज इक्वल टू 24, 24। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, हैप्लॉयड होगा 12, फिर एंडोस्पर्म में होगा 36, फिर इंटेगुमेंट में होगा 24, तो ये बी वाला होगा राइट आंसर। अगर पॉलन ट्यूब इंटर करता है इंटेगुमेंट से, जैसे ये है आपका एम्ब्रियो सैक, तो यहां से पॉलन ट्यूब अगर इंटर करे तो ये होगा आपका मीजोगैमी, ये मान लो अगर माइक्रोपाइल है यहां से करे तो ये होगा पोरोगैमी, अगर ये चले जाए इधर से करे तो चलेजोगैमी, चलेजोगैमी कजुराइता में देखा जाता है, तो सब समझ गए मीजोगैमी होगा ये। चाय ठंडी हो रही है, पीता रहूं मैं। हाँ, तो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पे रहता है? तो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो रहता है बैक्टीरिया में भी रह सकता है, क्लोरोप्लास्ट में भी रह सकता है, और माइटोकांड्रिया में भी रह सकता है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा, ठीक? तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एसिटेबुलेरिया है, याद रखना, इसका ही यूज करके हैमरलिंग थे, हैमरलिंग इसका एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या पता लगाया था, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपायरेशन का पर्पज क्या नहीं है इसमें से? तो ट्रांसपायरेशन जो होता है देखो पैसिव एब्जॉर्प्शन को इनहांस करता है, ये सही है। वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है? नहीं, ट्रांसपायरेशन नहीं प्रिवेंट करता, स्टोमेटा का क्लोजर करता है, तो ये गलत है, यानी कि यही सही होगा राइट आंसर। कूल करता है लीफ सरफेस को, बिल्कुल सही बात है, मोर देन वन, तो ये बी वाला सही है भाई। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल, तो किसको किसको कैरियर चाहिए भैया? देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रहेगा, उसको भी कैरियर प्रोटीन चाहिए, इसको भी कैरियर चाहिए, इसको भी कैरियर चाहिए, तो मोर देन वन यहाँ पे होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप? जीनोटाइप देखो वही होता है ना, वो 1 2 1 2 4 2 1 2 1, तो गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तरह के जीनोटाइप, समझ रहे हो? फिनोटाइप 4 तरह का होता है, 9 तरह का जीनोटाइप बनता है और फिनोटाइप यही होता है ना, तो 1 तरह का, 2 तरह का, 3 तरह का, 4 तरह का, मतलब 4 टाइप फिनोटाइप बनता है। जीनोटाइप 9 टाइप का और 4 टाइप का फिनोटाइप। अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनियम साल्ट इंटू नाइट्राइट? अगर यहाँ पे नाइट्रेट देता तो आप नाइट्रोबैक्टर मार देते, लेकिन यहाँ पे नाइट्राइट पूछ रहा है तो नाइट्रोसोमोनास मारो। रैकस पार्टिकल, फरेंदेज मोरन पार्टिकल, माइटोकांड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन रहता है, जो क्रिस्टी होता है उसके ऊपर होता है, सिंपल बात है। ठीक, हेलोटिज में देखो क्या है, सिम्बियोसिस को ही बोलते हैं, मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस, ये एल्गी और फंजाई के लिए अप्लीकेबल होता है, जो कि फाइनली क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। इसके वेंडर ने शायद हेलोटिजम टर्म के बारे में बताया था, देख लेना। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट दैट इज आल्सो स्टिकली एपिफिटिक। देखो आल्सो स्टिकली एपिफिटिक एग्जाम्पल है, देखो मैं कहूं तो कसकुटा जो है टोटल स्टेम पैरासाइट है, और अब रंके जो है ये रूट पैरासाइट है, विस्कम जो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, लेकिन विस्कम में देखा जाता है कुछ स्पीसीज होते हैं विस्कम के जो कि एपिफिटिक भी होते हैं, जो सिर्फ वहां पे रहते हैं स्पेस के लिए, स्पेस पैरासाइट इसे हम बोल सकते हैं। तो विस्कम विल बी द आंसर हियर, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है, तो अभी फिलहाल में हम इसको विस्कम ही मान के चलते हैं, विस्कम पैरासिटिक होने के साथ साथ एपिफिटिक भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमंग द फॉलोइंग असेक्सुअल मोड ऑफ ब्रायोफाइटा। देखो पहले असेक्सुअल का मतलब समझो, असेक्सुअल जो है वहां पे बस गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, तो अगर वेजिटेटिव भी है तो उसको भी आप असेक्सुअल मान के चलोगे, तो बर्डिंग रहे, बर्डिंग में जैसे जेम्मा जो होता है, जेम्मा ये एक असेक्सुअल बर्ड कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन हो गया ये भी, स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट फॉर्मेशन वहां पे स्पोर बनेगा ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो मोर देन वन होगा यहाँ पे। आर्किगोनिया फ्यूनेरिया कैसे डिस्टिंग्विश है पाइनस से? तो देखो फ्यूनेरिया का आर्किगोनिया पाइनस से इस तरह है कि देखो फ्यूनेरिया में बहुत सारे नेक कैनाल सेल मिलते हैं जबकि वो पाइनस में अब्सेंट होता है, और फ्यूनेरिया में स्टार्क्ड वेंटर भी मिलता है जबकि वो पाइनस में अब्सेंट होता है, तो मोर देन वन होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पिगमेंट जो है फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन वो कहाँ पे मिलेगा? तो फाइकोसाइनिन साइनोफाइट से मिल सकता है और इथ्रिन रोडोफाइट से मिल सकता है, तो मोर देन ये होगा वन। एंजाइम हैव वेरी नैरो ऑप्टिमम फायर, देखो लाइट के लिए तो कोई मतलब नहीं होता उतना, टेम्परेचर है देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, ऐसा टेम्परेचर वेरिएशन करोगे तो वो काम कर सकता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन पीएच थोड़ा भी पीएच में बदलाव होता है ना, तो एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर वोचर मतलब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो मोस्ट करेक्ट जो है वो पीएच होना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा ब्रॉडर टर्म में लेके चले तो मोर देन वन भी यहाँ पे मार सकते हैं, बातों को समझो, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दोगे, वेरी नैरो पूछ रहा है ना, वेरी नैरो, देखो वेरी नैरो पूछ रहा है, तो ये पीएच होना चाहिए आंसर बस। अगला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट एबुंडेंट इंट्रा सेलुलर कैटायन, जो कैटायन है जो कि बैलेंस करता है सारी चीजों को सेल के अंदर, तो वो क्या है आपका, वो है आपका पोटेशियम, पोटेशियम है जो हमेशा मूव करते रहता है। इसमें से कौन सा है जो रॉन्गली मैच है? तो रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इन अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम द टिश्यू नोन एज द हाइडेंटोड डिस्कवर्ड बाय द बर्गर स्टीन, ठीक है, एपिथेम टिश्यू या वाटर चैनल बोलते हैं। पक्सिनिया स्मर्ट नहीं, ये स्मर्ट जो कराता है वो होता है आपका अस्टिलेगो, पक्सिनिया रस्ट कराता है वो भी ब्लैक रस्ट। रूट में एग्जाज प्रोटोजाइलम होता है, तो ये पक्सिनिया विल बी करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ फूड इन सी4 पाथवे अकर इन क्लोरोफिल ऑफ, तो देखो ये बंडल सीड सेल में होता है, मीजोफिल में इनिशियल कार्बन का फिक्सेशन होता है और वो बंडल सीड सेल में जाता है जहां पे एक्चुअली में चलता है सी3 साइकिल, कोई भी प्लांट हो, कैम हो, सी3 हो,
C4O सब में C3 साइकिल तो चलेगा भैया, केल्विन साइकिल। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्रायो और टेरिडो में? तो वेस्कुलेचर नहीं रहता भैया ब्रायो में, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट आपका नहीं रहता, डिपेंडेंट होता है ब्रायो में, इंडिपेंडेंट टेरिडो में होता है। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन दोनों में चाहिए, यहाँ पे कुछ सुगर मॉलिक्यूल रहेंगे जो एंथ्रोजोआइट को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे रहता है मैलिक एसिड। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा है देखो कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पे नहीं है। हाँ तो एब्सेसिक एसिड जो है स्टोमेटा का क्लोजर कराता है, बिल्कुल सही बात है। जिब्रेलिक एसिड लीप का फाल नहीं कराता है, लीप के फाल के लिए एब्सेसिक एसिड होता है, तो ये गलत है, यानी कि यही सही होगा, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराएगा, तो बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैजेलेट एल्गी, तो देखो क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसके पास दो फ्लैजला होता है, सही है। यूलोथ्रिक्स फ्लैजेट नहीं है, देखो बहुत लोग होंगे कि यूलोथ्रिक्स भी तो वहां पे भी क्वाड्री फ्लैजेलेट आइसोगैमेट ऐसा मिलते हैं, तो भैया यूलोथ्रिक्स का गैमिट फ्लैजेलेट होता है, एल्गी नहीं फ्लैजेलेट होता है, यूलोथ्रिक्स का फिलामेंटस होता है थोड़ा ना अनब्रांच्ड ऐसे करके, तो आंसर तो होगा क्लेमाइडोमोनास ही, स्पायरोगायरा तो एकदम समझ ही गए हो। चलो अगला क्वेश्चन भी चलते हैं, मोर देन नहीं होगा, क्लेमाइडोमोनास होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट टीआरएनए पे कहाँ पे होता है, तो जो जैसे टीआरएनए ऐसे बनाते हो आप, ऐसे बन गया, तो यहाँ पे 3 प्राइम साइट पे सीसीए सीक्वेंस होता है ना, तो यही पे जाके अमीनो एसिड एक्टिवेशन साइट होता है, यहाँ से एंटीकोडान आर्म जो होता है यहाँ पे भैया आपका ना, वो जाके राइबोसोम और ईएमआरएनए से बाइंड करता है, ठीक, तो सीसीए सीक्वेंस होगा ब्रो। आगे चलते हैं। टोटल एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईएमपी पाथवे, देखो ना इसका आंसर मैं बताऊं ना, तो दो शटल होते हैं, मैलेट फास्फेट और ग्लिसराल शटल, अगर दोनों को अगर आप देखो तो मैलेट के थ्रू 8 और ग्लिसराल की वजह से 6, तो जो आंसर होना चाहिए वो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन मैं बताऊं तो आपको 8 वाला ही मान के चलना है, 8 वाला ज्यादा करेक्ट होगा, एग्जामिनर भी यही मानेगा, ठीक, तो 8 ही मानो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 24 एटीपी क्रेब्स साइकिल से मिलता है ना, अभी हम बताएंगे। और हाँ देखो ना जो हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है ना, आप किसी भी बीपीएससी हो या बॉटनी का ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम हो, आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, ₹2500 बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, और आप डेमो क्लास के लिए मत पूछना, डेमो यही है, ऐसे ही मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ थोड़ा डिटेल में, गॉट इट? तो चलो आगे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है ना, इक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टील कहाँ पे मिलता है, तो देखो इक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टील ई से, इक्टोफ्लोइक ई से इक्विसिटम और ऑस्मुंडा लिखे भी हैं जिनका पेपर है, तो इक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टील इक्विसिटम और ऑस्मुंडा में मिलता है, एडियंसम और मार्सिलिया में रहेगा भैया एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील, वो ट्राइकिया में नॉर्मल प्रोटोस्टील रहता है, तो इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। चलो आगे चलते हैं फिर। द मोस्ट प्रिमेटिव मेंबर इन विच रूट आर नॉट प्रेजेंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मोस्ट प्रिमेटिव मेंबर ऐसे पूछता कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर रूट आर नॉट प्रेजेंट, तो आपका साइलोटम भी हो जाता राइनिया भी हो जाता, लेकिन मोस्ट प्रिमेटिव पूछा है तो आप राइनिया मारना, कंफ्यूज नहीं करना, साइलोटम में भी एब्सेंट होता है रूट, लेकिन मोस्ट प्रिमेटिव जो होगा राइनिया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आप क्रोमोसोम को अरेंज करते हो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ में, सबसे पहले बड़े क्रोमोसोम को फिर छोटे क्रोमोसोम को, तो उसे आप क्या कहते हो, कैरियोटाइपिंग बोल सकते हो, कैरियोटाइपिंग मोस्टली बोलोगे, फिर इस कैरियोटाइप का फोटोग्राफ ले लोगे तो आइडियोग्राम बोलोगे, तो यहाँ पे कैरियोटाइपिंग तो दिया नहीं गया है तो इसे आइडियोग्राम बोलोगे। अगला क्वेश्चन है, कॉमन क्या है फ्यूनेरिया ड्राफ्टेरिस और जिंगो में, तो ये नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, देखो ऐसा ना 3 4 क्वेश्चन पूछ लिया यही आर्चिगोनिया को लेके, भैया एग्जामिनर भी सोचता है कि भाई अरे एग्जामिनर थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाओ भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर तो देख ही रहा होगा पेपर ये। ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन, देखो ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट कहाँ पे रहेगा, तो म्यूकर में भी न्यूक्लियस होता है, म्यूकर देखो यूकैरियोटिक है, फंजाई, वाउचेरिया भी एक ऐसा एल्गी है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है वाउचेरिया, वाउचेरिया येलो ग्रीन एल्गी आता है जिसे हम ग्रीन एल्गी में भी रखते हैं, अरे वाउचेरिया भैया ऐसे करके सीनोसिटिक कंडीशन न्यूक्लियस तो होता है ना, बस वाल अब्सेंट रहता है, वॉलवॉक्स में भी रहेगा, तो नन ऑफ द एबव होना चाहिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग,
ग्यारह ग्यारह ऑप्शन फ्रॉम जिलेडियम ग्रैसलेरिया, कप्पा फाइकस, यूचेमिया, तो बहुत सारे होते हैं ना, तो ये सही है जिलेडियम। एल्जीन एंड कैराग्रीन आर द प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, ये भी सही है। मैनिटाल रोडोफाइसिस से नहीं होता, मैनिटाल होता है फियोफाइसी से, ठीक है, तो फियोफाइसी होना चाहिए इसका, तो यही होगा आपका राइट आंसर। क्रेब साइकिल को हम क्या क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। अरे टीसीए का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो मोर देन वन। कप्पा पार्टिकल देखो पैरामीशियम ऐसे करके कुछ होता है, पैरामीशियम में होता है, तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है ना। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जिम्नोस्पर्म को मार्क करना है जहां पे आर्चिगोनिया ऑब्सेंट है, तो वो आपका नेटम है। अगर ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड है जियोग्राफिकल बाउंड्री से, तो इस तरह के स्पीसिएशन को, स्पीसीज फॉर्मेशन को क्या बोलोगे? तो एलोपैट्रिक, जियोग्राफिकल बैरियर यानी कि एलोपैट्रिक मार दो। सिम्पैट्रिक मतलब सेम एरिया रहेगा, पैरापैट्रिक में थोड़ा सा ऐसा जीन फ्लो होता रहेगा। चलो आगे आते हैं, हाइड्रोफाइट विद बोथ हाइड्रोफिटिक एंड जीरोफिटिक ट्रेट, तो इसमें से कौन हाइड्रोफाइट है जो जीरोफिटिक ट्रेट भी, तो ये दोनों देखो ये तो जीरोफाइट डायरेक्ट है, एग्रावेनेरियम जीरोफाइट है भैया, हाइड्रोफाइट नहीं है, और ये वेलिस्नेरिया जो है ये हाइड्रोफाइट है, तो इसमें कोई भी जीरोफिटिक कैरेक्टर होता ही नहीं, वेलिस्नेरिया पानी के अंदर होता है, सबमर्ज होता है, तो भैया ये नन ऑफ द एबव होना चाहिए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल, अरे थोड़ा शांत रहा करो, क्लास लेता हूं तो। मैंने म्यूट नहीं किया, सॉरी। द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल कौन है? तो मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल जो होता है पॉलन ग्रेन का जो एग्जाइन है ना, तो एग्जाइन जो होता है वो मोस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, एग्जाइन पे प्रेजेंट स्पोरोपॉलिन। और एक चीज होता है आप जान लो, जो आपका एंडोस्पोर होता है बैक्टीरिया का, उसको भी हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं, तो स्पोरोपॉलिन मानना। रेजिन डक्ट जिम्नोस्पर्म में किसका एग्जाम्पल होता है? तो वो साइजो लाइसोजिनस है नहीं यहाँ पे, तो साइजोजिनस ही मानना। साइजोजिनस का मतलब होता है ऐसा डक्ट जो इंटरसेलुलर स्पेस से बने, लाइसोजीनस का मतलब जो है सेल के डेथ से बनता है, नींबू में होता है लाइसोजीनस। अगला क्वेश्चन है पाश्चर इफेक्ट का, देखो वही रेट ऑफ रेस्पायरेशन के ऊपर जो ऑक्सीजन का जो इनवर्ट इफेक्ट पड़ जाता है, तो वो है, तो ये देखो सैक्रोमाइसिस जो है ये एरोबिक एनारोबिक करता है, तो ऑक्सीजन मिल जाता है तो रेट घट जाता है, तो यही होगा। कोकीन जो होता है इंटरफियर किसके साथ करता है? कोकीन इंटरफियर करता है आपका डोपामाइन के साथ, मतलब कोकीन कोई खा लेता है तो न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामाइन होता है ना उसके साथ इंटरफियर कर देता है, तो ये बात आप जानते रहना। अगला क्वेश्चन है वॉकिंग फॉन्ट जो होता है, एक्चुअली में इसका नाम होता है, इसका नाम होता है क्या? एडियंसम। तो ये कैसे प्रोपोगेट करता है? लीफ के टिप के द्वारा प्रोपोगेट करता है, गॉट इट। अगला क्वेश्चन है पॉलीएम्ब्रियोनी सीन इन साइकस, तो देखो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी होगा नहीं, क्लीवेज तो एक्चुअली में पाइनस में देखा जाता है, तो क्लीवेज कह सकते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं जाऊंगा नन ऑफ द एबव के साथ, ठीक। अभी इसको होल्ड पे रखना और आंसर की से मिला के मेरे को भी बता देना, कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म, तो देखो ये कस्कुटा जो है ये टोटल रूट टोटल स्टेम पैरासाइट है ना, नियोसिया जो है बर्ड नेस्ट आर्ट की, ये जो है सैप्रोफिटिक ऐसे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। इसके साथ साथ एक और होता है मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा को हम इंडियन पाइप प्लांट बोलते हैं ना, ये तो फंजाई है भैया। अगला क्वेश्चन है द एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में जो एंडो स्पर्म होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, मेगा स्पोर से डायरेक्ट बन जाता है, तो ये हैप्लॉयड नेचर का होता है ना। पॉइनियर कम्युनिटी इन जेराक मतलब जीरो सीयर, ऐसा सक्सेशन जो कि ऐसे पहाड़ वहाड़ पे होता है, तो वहां पे जो लाइकेन होता है एक्चुअली में कौन सा लाइकेन, जो आपका क्रस्टोज लाइकेन होता है, क्रस्टोज लाइकेन ये होता है पॉइनियर जो पहले वहां पे जाता है। अगला क्वेश्चन है रूट कहाँ कहाँ अब्सेंट होता है, तो माइरोफाइलम सिरेटोफाइलम यूट्रिकुलेरिया सब में रूट अब्सेंट होता है, आर आर रूटलेस, तो डी होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से देखो हमने बीपीएससी टीआरई का हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, तो इस तरीके से
आपने देखा है, और बिल्कुल भी घबराइए मत, जो भी पेपर होता है, कहीं का भी पेपर होता है, क्वेश्चन ना आए गूगल कीजिए, ग्रुप में भेजिए, हमें, हमको भेजिए, हमको भेजने से अच्छा ग्रुप में भेजिए, पेपर सॉल्व कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब जैसे यहाँ से मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराया ना सीयूटी में, मैं बोलता हूँ यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। चलो तैयार कर लो।